हनुमान नगर स्थित डॉक्टर अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल की 23वीं वर्षगांठ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हॉस्पिटल परिसर में किया गया, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ ने 271 बच्चों का निःशुल्क परीक्षण किया। डॉक्टर अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल के नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जैन ने शिविर में 140 लूज मोशन के रोगी, 44 निमोनिया, 40 अन्य बीमारी, खून की कमी, पीलिया, दौरे, 16 पेट के कीड़े आदि के मरीज पाए गए। 50 बच्चों को टीकाकरण शिविर में हुआ। आज इसी एनिवर्सरी पे हम यहाँ पे हर एक साल की तरह निःशुल्क कैंप करते हैं, जहाँ हम जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क देते हैं। तकरीबन उनको हमने आज लगभग 150 से 200 बच्चे अब तक देख चुके हैं और आगे चलता रहेगा ये। इसमें हम माँ बाप को बच्चे की ग्रोथ और मॉनिटरिंग के लिए उनको बताते हैं, टीकाकरण क्या से होता है, क्या होता है उसके ऊपर भी उनको जागरूक करते हैं, जो कॉमन बीमारियाँ हैं उनके ऊपर एक पब्लिक लेक्चर लेते हैं यहाँ पर अपनी वेटिंग हॉल में, और इस तरह के प्रोग्राम्स हम रेगुलर भी करते रहते हैं अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल में। डॉक्टर अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल के नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जैन ने बताया कि बच्चों के पोषण, बीमारी एवं टीकाकरण के प्रति माता पिता को जागरूक किया जाता है। बच्चों के विकास के संबंध में भी माता पिता को जागरूक होने की आवश्यकता है। ये अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल की तरक्की, इसमें हमारे माँ बाप, स्वर्गीय माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। भले वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और आज उन्हीं की प्रेरणा से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं उन सभी लोगों का आज दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे सफर में जिन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। डॉक्टर अरुण जैन ने बताया कि जंक फूड शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली, दिनचर्या, जंक फूड के दुष्प्रभाव और रोगों से बचाव के बारे में भी जानकारी दी। आज हमारा 23 साल पूरे हो चुके हैं अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल को, और जैसे एक माँ बाप एक सपना देखते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो देख के खुश होते हैं कि हमारे कितना बड़ा हो गया बच्चा। उसी तरीके से मेरे सास ससुर ने एक सपना देखा और उन्होंने एक अस्पताल बना के दिया मेरे हस्बैंड को, और वो ठीक है बना के दिया। उन्होंने कहा चलो बच्चा MBBS हो गया, MD हो गया तो बना के देते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना चल जाएगा। तो उस बच्चे की मेहनत भी बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह से माँ बाप ने स्वप्न देखा, उस स्वप्न को पूरा करने का दायित्व उस बच्चे का था डॉक्टर अरुण जैन का, जो कि उन्होंने बहुत शिद्दत से निभाया। हनुमान नगर स्थित डॉक्टर अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल की 23वीं वर्षगांठ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अरुण जैन और डॉक्टर संध्या जैन ने माता पिता को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।